हेलो स्टूडेंट्स, हरिओम। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो रिलेशन फंक्शन का ही है, लेकिन उसमें रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन सब बनाएंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिलेशंस, ये क्वेश्चन है आज का। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 1 2 3, एक सेट गिवन है आपको, गिवन बाय आर इक्वल टू आर, एक रिलेशन है। सेट ऑफ ऑर्डर पे आर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, इसका मेंबर है। ई की रिफ्लेक्सिव, ये आर जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा, बट नाइदर साइमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो जो गिवन है सबसे पहले उसको ले लीजिए, लेट ए इक्वल टू, ये एक सेट हम लोग ले लेते हैं, ये सेट गिवन है, इसका नाम नहीं दिया हुआ, ये हम लोग ले लेते हैं उसका नाम ए इक्वल टू 1 2 3 1 2 3, इसका मेंबर है 1 2 3। आर एक रिलेशन ऑलरेडी गिवन है, तो इसको सेट ऑफ ऑर्डर पेयर के रूप में 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, जो मेंबर है उसको हम लोग। अब हम लोग रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे, यानी रिफ्लेक्स रिलेशन है कि नहीं, इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्स रिलेशन है कि नहीं। हियर 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू आप, जो भी मेंबर हम लोग देख रहे हैं सेट ऑफ ऑर्डर पेयर अपने आप के साथ, 1 के साथ 1 का, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, ये सब सभी मेंबर आर का मेंबर है। दिस इज इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव, इसको हम लोग देख पा रहे हैं, 1 1 हम लोग देख पा रहे हैं, 2 2 देख पा रहे हैं, 3 3 देख पा रहे हैं, अपने आप के साथ ये सब मेंबर देख पा रहे हैं। उसमें सभी ए का वैल्यू यदि 1 लिया जाए तो ए आपका कैपिटल ए में प्रेजेंट है, यदि आपका वैल्यू 2 लिया जाए, स्मॉल ए का वैल्यू यदि आप 2 लेते हैं तो 2 2, यानी वो भी आपका सभी मेंबर उसका कैपिटल ए में प्रेजेंट है, 2 2 भी आर में आपका प्रेजेंट हो गया, 3 3 भी आपका आर में प्रेजेंट हो गया, इसलिए आर को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। अब हम लोग साइमेट्रिक की बात करते हैं। लेट हम लोग देख पा रहे हैं ऑलरेडी 1 2 गिवन है, ऑलरेडी 1 2 1 2 ऑलरेडी गिवन है, लेट 1 2 बिलोंग्स टू आर, ऑलरेडी गिवन है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 2 हम लोग देख पा रहे हैं आर में है, ये ऑलरेडी गिवन है, सिंस हम लोग लिख सकते हैं 1 2 आपका ऑलरेडी गिवन है, इसलिए दिया हुआ है, इसलिए हम लोग गिवन लिखेंगे, सिंस लिखेंगे 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तब हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब आर इज नॉट साइमेट्रिक, आर इज नॉट साइमेट्रिक रिलेशन, आर साइमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव है कि नहीं, हम लोग सबसे पहले हम लोग देख पाए हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, उसके बाद हम लोग देखें साइमेट्रिक वो है कि नहीं, अब हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो फॉर ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 2 एलिमेंट्स हम लोग लेंगे, यदि फर्स्ट और सेकेंड के साथ 1 ए और बी लेते हैं, ए और बी बिलोंग्स टू आर, फिर बी के साथ सी का यदि रिलेशन है, बी सी वो भी यदि आर में बिलोंग्स करता है, और साथ साथ में ए सी के साथ यदि बिलोंग्स कर जाएगा तब हम लोग उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। यहाँ पर हम लोग 2 2 मेंबर लेते हैं आर, सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये आर में आपका जितना भी मेंबर है उसमें से 2 2 मेंबर हम लोग लिए हैं, 1 2
और टू जहाँ से समाप्त इसमें हुआ उसी से हम लोग शुरुआत किए हैं। टू और थ्री ये दो टो हम लोग ऑर्डर पेयर लिए हैं, आर का वो मेंबर है, बट वन थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू, हम लोग देख पा रहे हैं वन टू आर में बिलोंग्स कर रहा है, टू और थ्री ये भी गिवन है आर में, लेकिन वन थ्री आर में गिवन नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं। तो एक नंबर पे हम लोग देख पा रहे हैं रिफ्लेक्सिव है, दूसरा नंबर पे दे रहे हैं साइमेट्रिक नहीं है, थर्ड में भी हम लोग देख पा रहे हैं कि ट्रांजिटिव नहीं है, देयरफॉर इक्वेशंस वन टू एंड थ्री इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव बट इट इज नॉट साइमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। दैट्स मीन टू से गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर साइमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव प्रूफ, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट, इस तरह से जो ऊपर नीचे जो दो बिंदु देख रहे हैं इसको सच दैट पढ़ते हैं, सच दैट टू डिवाइड ए माइनस बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी जेड ए आपको सेट दिया हुआ सेट ऑफ इंटीजर्स है वो, और आर एक रिलेशन दिया हुआ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी, और वो ए बी इस तरह से है ए बी आर का मेंबर तभी होगा जब ए माइनस बी दो से डिविजिबल होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिबिलिटी लिखते हैं, क्या क्या गिवन है उसको सबसे पहले आप लोग लिखते हैं। तो हियर आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, इसको सेट ऑफ ऑर्डर पेयर पढ़ते हैं ए बी, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट टू डिवाइड ए माइनस बी, टू डिवाइड्स ए माइनस बी इसका मतलब है ए एक नंबर है बी एक अनदर नंबर है, दोनों को डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट दो से पूरा पूरा भाग लगेगा, उसी को हम लोग पढ़ते हैं टू डिवाइड्स ए माइनस बी, दैट्स मीन उसको अनदर लैंग्वेज में कह सकते हैं ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय टू, दैट इज R equal to set of order pair such that A minus B is divisible by 2। एक ही बात है, 2 divides A minus B जो लैंग्वेज है उसी को हम लोग लिख सकते हैं A minus B is divisible by 2। For all AB, कोई भी AB जो है बिलोंग्स करेगा कहां से, ना जेड से, जेड जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, यहां पे जेड आपका सेट ऑफ इंटीजर्स, उसमें से दो ठो मेंबर हम लिए हैं ए माइनस बी, ए और बी जो लिए हैं जेड का मेंबर लिए। अब हम लोग इसको रिफ्लेक्सिविटी है कि नहीं सबसे पहले देखेंगे, रिफ्लेक्सिविटी के बाद हम लोग देखेंगे कि वो साइमेट्रिक है कि नहीं, साइमेट्रिक के बाद हम लोग देखेंगे वो ट्रांजिटिव है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी, सिंस a माइनस ए इक्वल टू हम लोग देखते हैं वो जीरो हो जाता है, ए माइनस ए फर्स्ट मेंबर a का प्लेस में भी a लिए हैं और b के प्लेस में भी आप a लिए हैं, तो a माइनस ए उसका वैल्यू आप जीरो जानते हैं, विच इज डिविजिबल बाय जीरो जो होता है दो से पूरा पूरा भाग लगे, इसलिए हम लोग कह सकते हैं दिस इज इंप्लाइड फर्स्ट मेंबर ए है सेकंड मेंबर भी ए है, ए ए बिलोंग्स टू आर का वो मेंबर हो जाएगा,
क्योंकि a माइनस ए जो है वो जीरो हो गया, जीरो जो है दो से पूरा पूरा भाग लग गया, इसका मतलब a a belongs to R. For all a belongs to z. कोई भी a यदि लेते हैं z से तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि a a belongs कर जाएगा R. R यदि R पर वो belongs करता है इसको हम बता सकते हैं R is reflexive. आर जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ऑन जेड, ये जेड पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन जेड, इसको हम लोग एक नंबर इक्वेशन. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या साइमल्टेनियस लेट. अब हम लोग ए बी मान लेते हैं आर का मेंबर है, तार का मेंबर यदि है इसका मतलब a माइनस बी जो है वह दो से पूरा पूरा भाग लग जाएगा. इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इंप्लाइज a माइनस बी इज डिविजिबल बाय टू, टू से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, डिविजिबल बाय टू. दिस इज इंप्लाइज माइनस यदि इसमें कॉमन लेते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस a प्लस बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू, दो से पूरा पूरा भाग ले जाएगा. माइनस यदि हम लोग हटाते हैं हम लोग लिख सकते हैं बी माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू. इसका मतलब बी और ए ये बिलोंग्स कर जाएगा आर. दैट इज इसका मतलब ये बात हुआ कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाय बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, यदि वह जेड में बिलोंग्स करता है, ए बी जेड में बिलोंग्स करता है तो दिस इज इंप्लाय आर ए साइमेट्रिक साइमेट्रिक रिलेशन. तब इसको हम लोग कहेंगे साइमेट्रिक रिलेशन ऑन जेड, जेड के साथ वह साइमेट्रिक रिलेशन है. इसको दो नंबर इक्वेशन. नाउ अब हम लोग देखेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन है. नाउ लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड BC also belongs to R. For all A, B, C belongs to Z. This is implied AB belongs to R. Iska meaning hai A minus B is divisible by 2 and B minus C is also divisible by 2. This is implied a minus b हम लोग देख रहे हैं divisible by 2 है, b minus c ये भी divisible by 2 है, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने से भी वह दो से पूरा पूरा भाग हो जाएगा. This is implied a minus b plus b minus c is also divisible by 2. इसका मतलब a minus b plus b minus c is also divisible by 2. इसका मतलब ये लिख सकते हैं a minus c is also divisible by 2. इसका मतलब ये हो गया कि ए आर सी बिलोंग्स टू आर, ए माइनस बी बिलोंग्स टू, ए माइनस बी जो है डिविजिबल बाय टू है, इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर लिखते हैं, या ए बी बिलोंग्स टू आर जैसे लिखते हैं तो ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय टू लिखते हैं. सिमिलरली ए माइनस सी इज डिविजिबल बाय टू, इसका मतलब ए सी ऑर्डर पेयर ऑफ ए सी बिलोंग्स टू आर. इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं दिस इज इंप्लाई आर इज ट्रायंगल, आर इज
ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको तीन नंबर इक्वेशन, एक नंबर इक्वेशन, दो नंबर इक्वेशन, तीन नंबर इक्वेशन इंप्लाय, ये तीनों सब वो देख रहे हैं आर इज रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, दिस इज इंप्लाइज आर इज एंड इक्विवेलेंस रिलेशन।